हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सेम और मेथी भाजी की सब्ज़ी। ये एक यूनिक रेसिपी है जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद की जाती है और ये सब्ज़ी हर एक के घर में बनती है। तो आइए चलिए इसे बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो सेम और इसे मैं किस प्रकार से कट कर रही हूँ आप देख सकते हो, और इसी प्रकार से आप सभी लोग भी कट करते होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सेमियों को अच्छे से कट कर लिया है लंबाई शेप में और हम इसे अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए हम कढ़ाई को पहले गर्म कर लेते हैं क्योंकि हम इसी में बनाएंगे हमारी सब्ज़ी। और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ऑयल को डाल दिया है और इसके गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जीरा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि जीरा और लहसुन डालते वक्त का जो वीडियो है वो शूट नहीं हो पाया क्योंकि कैमरा जो है ऑफ हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, उसे मैंने बारीक कट कर लिया था, और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइस के जैसे कट कर लिया है, और इसे हम गुलाबी होते तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो प्याज है गुलाबी होते तक अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सेम जिसे हमने धोकर रखा था, और सारे सेम को हम डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो हम सबसे पहले सेम को पकाएंगे फ्रेंड्स, अच्छे से भूनते हुए सबसे पहले हम सेम को पकाएंगे, उसके बाद ऊपर से हम डालेंगे मेथी की भाजी। तो हम 1 मिनट के लिए सेम को ढक देते हैं और 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसे चम्मच चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। आप सेम को जितना ज़्यादा अच्छे से भूनोगे उतनी अच्छी इसकी सब्ज़ी लगती है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे बिना ढके छोड़ देते हैं और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, आइए हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सेम यहाँ पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इसका जो सारा कलर है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे मेथी की भाजी, और मेथी भाजी मैंने यहाँ पर 1 बंच मेथी की भाजी ली है जिसे मैंने अच्छे से चुनकर कट कर लिया था और धो लिया था। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे लीड। लीड लगाने से हमारी भाजी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें बाद में चम्मच चलाने में हेल्प हो जाएगी। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि सारी भाजी जो है सॉफ्ट हो चुकी है, और हम अच्छे से इसे सेम और मेथी की भाजी को मिला देते हैं। दोनों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। कम से कम 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इसके ऊपर हम डाल देंगे रेगुलर मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। नमक को आप इसी समय ही अच्छे से डालिए जितना आप लोग खाते हैं उसके अनुसार, और फिर इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और 2 मिनट के बाद हम लीड को हटा देते हैं और हमारी सब्ज़ी में अच्छे से हम चम्मच चला देंगे, जिससे क्या होगा कि हमने इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिल जाएंगे। अगर नमक आप पहले से डाल दोगे तो सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस यूनिक रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो इसे हम ढक देते हैं फिर से यहाँ पर 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सारी सब्जियाँ जो है, दोनों सब्जियाँ जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो भी अच्छे से मिल चुके हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जी का कलर है ये ओरिजिनल कलर है, और ये इसी कलर में ही सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो इसे पकाने के लिए अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे
वैसे तो मेथी पक चुकी है, लेकिन अगर लग रहा है कि मेथी कच्ची है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे ढककर हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम हटाकर देख लेते हैं लीड और आप देख सकते हो कि सब्ज़ी और भी सॉफ्ट होकर बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है और ये पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत 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 सारा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेथी और सेमी दोनों पककर तैयार है। हम डाल देंगे ऊपर से धनिया पत्ती और सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये सब्ज़ी रोटी के साथ, भात के साथ, नान, कुलचा सब के साथ अच्छी लगती है और ये हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो एक बार अवश्य इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।